मीरा भाईंदर भाजपातर्फे 26 सप्टेंबरला झालेल्या कॉफी विथ यूथ कार्यक्रमात भाजपाचे अनेक मान्यवर नेते मंडळी उपस्थित होते. दिल्ली प्रदेशाध्यक्ष व खासदार मनोज तिवारी कार्यक्रमाला प्रमुख अतिथी म्हणून लाभले होते. या कार्यक्रमात आमदार नरेंद्र मेहता व माजी महापौर गीता जैन समोरासमोर आले. यावेळी उपस्थित सर्व नेते व कार्यकर्त्यांसाठी हा क्षण महत्त्वपूर्ण होता. गीता जैन कार्यक्रमात पोहोचताच मेहताच्या समर्थकांनी जोरदार नारेबाजी केली. त्यात भर म्हणून गीता जैन यांच्या समर्थकांनी सुद्धा नारेबाजी सुरू केली. या सगळ्यात वातावरणात विधानसभेची हवा दिसून आली. भाषण देताना नरेंद्र मेहता आक्रमक होताना दिसून आले. अपने अपने स्थान पर बैठ जाए, चलिए आप सबसे विनती है, चलिए सभी लोग से विनती है शांति से बैठ जाए. नीलेश सभी को चेयर पे जितना अंक है सबको साइड में करो, चेयर के बीच में जितने सबको साइड में करो. मैं यूथ से कहूंगा जितने चेयर के पास है सबको साइड में करो. सुरेश दुबे जी थोड़े साइड हो जाइए. पत्रकार बंधुला विनंती खाली बसून जाए सर. पत्रकार बंधु नीचे बैठ जाए, बैठ जाए, बैठ जाए, बैठ जाइए. कार्यक्रम शुरू करना है, मैं खड़ा हूं ना. अरे मैं खड़ा हूं ना, आप लोग बैठ जाए. इस बात का मुझे गर्व है, 9 साल से जिनके पास एक बूंद पानी नहीं मिलता था अब उनको पानी के कनेक्शन मिले, मुझे इस बात का गर्व है. मैं अगर रास्तों की बात करता हूं, एक दिन में सब नहीं बदल सकता है, लेकिन शुरुआत हमने की बदलाव की. आज मीरा भाईंदर में कई सारे सीमेंट के रोड बने, कई सारे बनने जा रहे, इस बात का हमें गर्व है. आज हमारे यूथ यहाँ पे उपस्थित है. आप सभी जानते हो कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट एडमिशन के लिए हमें थाना जाना पड़ता था, हमें रेसिडेंस सर्टिफिकेट हो, नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट हो, या फिर हमारे जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, इलाज उपचार के लिए बीपीएल के लिए इनकम प्रूफ सर्टिफिकेट के थाना जाना पड़ता था. एक बार थाना जाओ तो दिन जाता था, और जाने के बाद अधिकारी मिलेंगे नहीं मिलेंगे इस बात की गारंटी नहीं थी. हमने वादा किया था कि मीरा भाईंदर में तहसील कार्यालय करेंगे, हमने वादा को पूरा कर दिखाया. या भाषण मार्फत मेहतांनी 5 वर्षात केलेल्या कामांची मांडणी उपस्थितांसमोर केली. मनोज तिवारी यांनी आपल्या भाषणातून तरुणांना संबोधत तरुण आपल्या देशाचे भविष्य आहेत, ताकद आहेत आणि भाजपाचे प्रेरणास्थान आहेत असे म्हटले. आज हम लोगों ने कॉफी विद यूथ महाराष्ट्र में इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई है मीरा भाईंदर से, और बीजेपी की ये नीति है कि हम युवाओं की बात सुने और उनके इनिशिएटिव को लेते हुए, उनके सवालों को लेते हुए आगे बढ़े. हमने 5 साल में जो जो किया है उसको और हमें इन्हेंस करना है, इस नाते ये कार्यक्रम शुरू हुआ है. कहते हैं कि बिना यूथ के सहयोग के भारत के भविष्य की कल्पना नहीं हो सकती. अभी तक कहा जाता था बच्चे देश के भविष्य हैं, लेकिन अब हम भविष्य को उनकी इनिशिएटिव के साथ सरकार में नीतियाँ बनाना चाहते हैं. इसके लिए ये कार्यक्रम हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी, कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, हमारे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष जी और देवेंद्र फडणवीस जी, मुख्यमंत्री जो यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, इनके इनिशिएटिव पे इसकी शुरुआत नरेंद्र मेहता जी के क्षेत्र से हुई है, युवाओं के टीम के साथ. और मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है. सच में हमको वो सवाल सुनने को मिल रहे हैं जिस पे हमें जो काम करना है वो करेंगे. ये चुनाव के लिए जिम्मेदारी दी गई है. 51 सिटीज में आप स्टेट में जा रहे हैं, कहीं ये चुनावी मुद्दा तो नहीं है? चुनाव को मद्देनजर रखते हुए मतदाताओं को प्रभावित करने का तो देखिए, युवाओं से कनेक्ट करना ये कोई पहली बार शुरू नहीं हुआ है. आपने सुना होगा 2014 में आते ही प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारा युवा देश है, क्योंकि हमारे 65% जो लोग हैं वो 35 साल से कम के हैं. तो ऐसे में हम अगर उनकी बातों को सुन रहे हैं, वो भी तब जब हमारा मैनिफेस्टो बनाना है, तो इट इज़ वेरी गुड एक्शन. युवा जो मुद्दा रखने वाले हैं उसको मैनिफेस्टो में अंतर्गत आप समर्थ करेंगे? निश्चित रूप से, इसलिए तो बात कर रहे हैं.
कि हम उनकी भावनाओं को समझकर और फिर आगे की जो नीतियां हैं उसके आधार पर बनाएं। कार्यक्रमात उपस्थित महापौर डिंपल मेहता यांना सन्मान देत मनोज तिवारी यांनी त्यांना मंचावर बसण्यास सांगितले। त्याचवेळी माजी महापौर गीता जैन बसण्यासाठी खुर्चीही नाही दिली गेली। दीड तास सुरू असलेल्या कार्यक्रमात गीता जैन उभ्या दिसल्या। एकीकडे महापौर डिंपल मेहता यांना सन्मानित करून मंचावर जागा दिली गेली तर गीता जैन यांना दीड तास उभे राहावे लागले। महिलांच्या सन्मानाच्या गोष्टी करणाऱ्या भाजपा सरकारचा हाच का तो स्त्री सन्मान, हा प्रश्न उपस्थित राहतो।